मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, परिश्रम संस्था के तूफानी दौरे पर आज नाला सुपारा वसई में यहां पर आए हुए हैं कृपा शंकर सिंह जी। उनके साथ में आए हुए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और इनको हर कोई जानता है, मुंबई नहीं पूरे देश में सुप्रसिद्ध रहे हैं ऐसे अधिवक्ता श्री अखिलेश चौबे जी। मैं जानना चाहूंगा कि परिश्रम के लिए आप यहां पर उनके साथ में दौरे में मशगूल है, उसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, एक तो परिश्रम ये एक आंदोलन है, संस्था नहीं है। पिछली तकरीबन चार पीढ़ियों से उत्तर भारतीय यहाँ रह रहे हैं, कुछ चार पीढ़ियों से, कुछ तीन पीढ़ियों से, कुछ दो पीढ़ियों से है। हर व्यक्ति यहाँ परिश्रम को ही लेकर आया था कि मैं यहाँ मुंबई में परिश्रम करके अपना एक मकाम हासिल करूँगा। लेकिन वो मकाम हासिल करते करते ही आप रोटी कपड़ा मकान के साथ आपको सम्मान भी चाहिए होता है। तकरीबन आप देखेंगे पिछले चार दशकों से मार्जिनल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को मिला हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। एक आदमी एमएलए बनता है, राज्यमंत्री बनता है, फिर दरकिनार कर दिया जाता है। अब ये आवाज़ जो है राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचनी चाहिए कि हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमको मिलना चाहिए। समाज को रोटी कपड़ा मकान के साथ अब सम्मान भी चाहिए सर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि समाज अभी भी उपेक्षित है, उसको वो जो मिलना चाहिए था सम्मान वो मिल नहीं सका है। तो आप जो है चूंकि एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और कृपा शंकर जी अभी कहीं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, ये सामंजस्य किस तरह से आप बैठाएंगे? देखिए, जो ये आंदोलन है ये एक संगठित होने के लिए आंदोलन है। आप देखेंगे कि जो कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर कि उत्तर भारतीय कैंडिडेट चुनकर आ सकता है, वहां पर दो 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 पार्टियों से उत्तर भारतीय कैंडिडेट लड़ते हैं और हमारा नुकसान होता है। पिछली सरकार में आप देखेंगे तो एकमात्र एमएलए विद्या ठाकुर जी जीत के आई थी, जो राज्यमंत्री बनी थी। लेकिन कोई ऐसा नेता जो जिसकी धमक मुख्यमंत्री कार्यालय तक हो, ऐसा उत्तर भारतीयों में नहीं दिख रहा है। कृपा शंकर सिंह जी थे तो वो किसी भी समस्या को मुख्यमंत्री तक ले जा सकते थे। चंद्रकांत त्रिपाठी जी थे, रमेश दुबे जी थे, तो वो एक धमक थी उत्तर भारतीयों की। आज वो चीज़ छीण होते जा रही है और हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है वो अपने आप को बड़ी कठिन परिस्थिति में पा रही है। आपने अभी कहा हम लोग उपेक्षित हैं। सर, उपेक्षित हम इसलिए हैं कि हम संगठित नहीं हैं। उपेक्षा अगर हटाना है तो हमको संगठित होना पड़ेगा और ये संगठन का ही आंदोलन है। हर वर्ग, हर व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ना चाहता है। कृपा शंकर सिंह एक ऐसा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में कि उसको एक रिक्शा चालक भी जानता है, एक प्रोफेसर भी जानता है, एक अध्यापक भी जानता है, एक आईएएस भी जानता है और एक बिजनेसमैन भी जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निस्वार्थ भाव से जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है उत्तर भारतीय समाज को संगठित करने का, मुझे लगता है कि ये एक आत्मव्रत है जो आप लोगों को भी लेना चाहिए और उत्तर भारतीय समाज को संगठित होकर अपने अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। वसई विरार में परिश्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और जनसंपर्क अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाले यहाँ के सुप्रसिद्ध उद्योगपति जितेन सिंह जी हमारे साथ में। मैं जितेन सिंह से जानना चाहूंगा कि बताइए कि किस तरह से परिश्रम को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे कुछ दिन पहले हमारे यूपी के जो है पूर्व मंत्री आए थे रघुनाथ मिश्रा जी, उन्होंने एक बात कही थी कि संघ शक्ति कलयुग में, कलयुग में आपको संगठन में ही शक्ति मिलेगी। जब तक आप इकट्ठे नहीं रहेंगे तब तक आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। और वो दौर था जब हम इकट्ठे थे, हमारे यहाँ हमारे माननीय कृपा शंकर जी होम मिनिस्टर बन चुके। आज क्या हो गया? आज तो हम संगठन में बहुत ज़्यादा हैं। हमारी हिस्सेदारी कितनी है लेकिन हमारी भागीदारी क्या है? आज हम अपनी आवाज़ या हमारे मन की व्यथा या हमारे अंदर जो कुछ चल रहा है, आज हम अगर सरकार के मुखिया तक पहुंचाना चाहे तो कैसे पहुंचा सकते हैं? तो क्योंकि हमारा कोई वहाँ रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। आज हम मुख्यमंत्री के पास कोई बात पहुंचाना चाहे, सरकार के पास कुछ बोलना चाहे, कैसे बोल सकते हैं? जबकि देखा जाए तो आज जैसे कि भैया ने कहा भी पिछली बार कि मुंबई का प्रथम नागरिक महापौर भी उत्तर भारतीय तय कर सकता है और अब करेगा, ये उन्होंने कहा। और पहले था, पहले हमारे उत्तर भारतीय जो है मुंबई के महापौर बने थे तो उस समय ताकत थी हमारी, तो आज क्यों नहीं? जब हम आज संख्या में बढ़ गए हैं, हमारी क्षमता बढ़ गई है, हमारी पढ़ाई, हमारा एजुकेशन हर क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हो रहे हैं? इसका कारण एक और एक ही, एक हम इकट्ठे नहीं हैं। हमको विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जब जहां मौका मिलता है वहां अपनी अपनी पार्टी में छिटपुट करके पार्ट पार्ट करके ले लेते हैं और हम कहीं के नहीं रहते। तो अगर हम इकट्ठे होंगे और हम एक बैनर के नीचे रहेंगे, हमारा ये परिश्रम जो है, परिश्रम पर्यायवाची शब्द है उत्तर भारतीय लोगों का,
उत्तर भारतीय लोग जाने जाते हैं परिश्रम के लिए, पूरी दुनिया में, मुंबई में नहीं पूरी दुनिया में, जो काम उत्तर भारतीय जिस परिश्रम से कर लेते हैं शायद ही कोई कर पाए वो। आज हम वाड़ा में जाते हैं, जो स्टील बनाने की जो फैक्ट्री चलती है वहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ की आप आदमी जाने की सोच नहीं सकता, वहाँ 12 घंटे खड़े होकर काम करने की हिम्मत अगर किसी में है उत्तर भारतीय में, तो उस परिश्रम को कहीं तो उस परिश्रम का पुरस्कार मिलना चाहिए। और इस परिश्रम का पुरस्कार तभी मिलेगा जब हम इकट्ठे होंगे। और कृपा भैया ने कहा है कि हम सबके परिश्रम के पसीने की एक बूंद लेने आए हैं, तो वही एक बूंद मिला करके हम सागर बनाएंगे। और वैसे ही विरार नाला सुपारा में एक समय आएगा कि यहाँ का आमदार भी हम लोग तय करेंगे, ये भी पक्की बात है। तो शुरुआत है, कृपा भैया को तो हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं, मानते हैं, उनके लिए बोलते भी हैं कि भैया आप कुटी में रहो या किले में रहोगे, चहकते हुई महफिलों में रहोगे, जहाँ में जहाँ भी रहो आप, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, हमारे दिलों में वो बरकरार है। और आज नाला सुपारा वैसे विरार के दौरे पे है, हम उनके साथ हैं, तन मन धन से परिश्रम के साथ हैं, और इस संगठन को, इस संस्था को, इस जो भावना है जो सबको इकट्ठा करने की, जरूर सफल बनाएंगे। जैसा कि आप जितेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे कि वो बता रहे थे कि आज परिश्रम पूरी तरह से लगा हुआ है उत्तर भारतीयों को संगठन में एक सूत्र में बांधने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल जयसवाल के साथ ओम प्रकाश मिश्र, न्यूज फर्स्ट, मुंबई।